सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के 15वें फिल्म के बारे में, जिसका नाम है अ व्यू टू अ किल। इस बार जेम्स बॉन्ड को मिशन मिलता है कि वो 003 की बॉडी को ढूंढे, जिसे अभी अभी कुछ लोगों ने मार दिया है। लेकिन बॉन्ड जैसे ही उसकी बॉडी को ढूंढता है, उसे 003 की बॉडी के साथ कुछ अनोखे सुराग मिलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने साइबेरिया का दृश्य आता है, और यहाँ पे हम बॉन्ड को देखते हैं जो कि 003 की बॉडी को ढूंढने आया है। और जल्दी ही बॉन्ड को 003 की बॉडी मिल भी जाती है। लेकिन जैसे ही बॉन्ड उसकी बॉडी के पास जाता है, तब वहाँ पे उसे एक माइक्रोचिप मिलता है। और इस माइक्रोचिप को देखने के बाद बॉन्ड चौंक जाता है, क्योंकि ये माइक्रोचिप रशियन लोगों का होता है। और बॉन्ड इन सारी चीजों को देख ही रहा होता है, तब तक यहाँ पे रशियंस आ जाते हैं और वो बॉन्ड पे हमला करने लगते हैं। और देखते ही देखते चारों तरफ से बॉन्ड को घेर लेते हैं। लेकिन बॉन्ड भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए वो इन सारे लोगों को चकमा देता है और यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये लोग भी बॉन्ड का पीछा करते रहते हैं, मगर बॉन्ड इनका जम के मुकाबला करता है और वो एक एक करके सारे रशियंस को मारने लगता है। और इस विशाल बर्फी पर्वत में ऐसे ही चूहे बिल्ली का खेल चलता जाता है। ये लोग बॉन्ड के पीछे भागते जाते हैं और हमला करते जाते हैं, और बॉन्ड भी इनका एक एक करके खात्मा करते जाता है। और देखते ही देखते बॉन्ड सारे लोगों को पीछे छोड़ देता है। और जब बॉन्ड को लगता है कि वो बच गया, तभी यहाँ पे कुछ और रशियंस आ जाते हैं, वो भी हेलीकॉप्टर के साथ। और वो हेलीकॉप्टर के ऊपर से बॉन्ड पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, और बॉन्ड एक बार फिर से इनसे बचने लगता है। लेकिन जल्दी ही बॉन्ड को इस हेलीकॉप्टर से भी पीछा छुड़ाना है, इसीलिए वो बड़े ही चलाकी के साथ इस हेलीकॉप्टर को भी ब्लास्ट कर देता है। तभी बॉन्ड को एक सबमरीन नजर आती है, और वो समझ जाता है कि सिर्फ यही सबमरीन उसे बचा सकती है। इसीलिए बॉन्ड सबमरीन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है एक लड़की से, और वो लड़की कहती है कि वो इसे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। और यहाँ पे बॉन्ड एक बार फिर से इस लड़की पे अपना जादू चलाने लगता है, और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर जल्दी ही बॉन्ड पहुँचता है इंग्लैंड, और अब हमारे सामने MI6 के लंदन के ऑफिस का दृश्य आता है। और यहाँ पे हम बॉन्ड को देखते हैं, वो भी मनी पेनी के साथ। और बॉन्ड और मनी पेनी यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती करते हैं, और बॉन्ड हमेशा की तरह मनी पेनी से यहाँ पे मजाक कर रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद पहुँचता है M के ऑफिस में, जहाँ पे हमें क्यू भी देखने को मिलता है। और क्यू बॉन्ड और M को बता रहा होता है कि उसने अभी एक हाईटेक रोबोट बनाया है, और ये रोबोट एक माइक्रोचिप पे चलता है। और इतना कहने के बाद क्यू M और बॉन्ड को माइक्रोचिप के बारे में बताने लगता है कि माइक्रोचिप कितनी शक्तिशाली होती है। और उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि अभी कौन कौन सी कंपनियां माइक्रोचिप बना रही है। और इतना बताने के बाद क्यू बॉन्ड को उस माइक्रोचिप के बारे में बताता है जिस माइक्रोचिप को वो साइबेरिया से लेकर के आया है। इसीलिए क्यू कहता है कि साइबेरिया में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेवार हम KGB को मानते हैं, लेकिन इस चिप का कोई भी संबंध KGB से नहीं है, क्योंकि इस चिप को जोरिन इंडस्ट्रीज ने बनाया है। और इसका मतलब ये होता है कि जोरिन इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं KGB के लिए काम कर रहा है। इसीलिए अगर हमें KGB तक पहुंचना है और हमें पता लगाना है कि उन लोगों ने 003 को क्यों मारा, तब हमें जोरिन इंडस्ट्रीज तक पहुंचना पड़ेगा। और इतना कहने के बाद क्यू ये भी बताता है कि जोरिन इंडस्ट्रीज का मालिक है जोरिन, और जोरिन को घोड़ों के रेस में बहुत ही ज्यादा रुचि है, क्योंकि उसका घोड़ा बार बार उस रेस को जीतता है, और कल फिर से उनका रेस होने वाला है। इसीलिए हमें उस रेस में जरूर जाना चाहिए अगर हम जोरिन के बारे में जानना चाहते हैं तो। और इन बातों को सुनने के बाद सारे लोग जाने के लिए राजी भी हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें M, Q, मेनी पेनी और बॉन्ड सब एक जगह देखने को मिलते हैं। तभी हमारे सामने आता है मिस्टर जोरिन, यानी कि जोरिन इंडस्ट्रीज का मालिक। और यहाँ पे जोरिन के साथ एक महिला भी होती है, जिसका नाम है मेडे, और मेडे जोरिन की प्रेमिका है, और उसके साथ साथ वो एक बेहतरीन कातिल है। और अब देखते ही देखते जोरिन का घोड़ा एक बार फिर से इस रेस को जीत जाता है, इसीलिए जोरिन बहुत खुश होता है और यहाँ से चला जाता है। तभी बॉन्ड के पास एक एजेंट आता है और कहता है कि मुझे जोरिन के घोड़े पे शक है, जोरिन जरूर अपने घोड़े को ड्रग्स देता है, इसीलिए शायद उसका घोड़ा बार बार जीत जाता है। तब बॉन्ड कहता है लेकिन जोरिन के घोड़ों की जांच पहले ही हो चुकी है, और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उसके घोड़े ड्रग्स नहीं लेते। तब इस बात को सुनने के बाद वो एजेंट कहता है लेकिन फिर भी मुझे शक है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद बॉन्ड को भी अब जोरिन पे शक होने लगता है, इसीलिए वो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहुंचता है पेरिस, और आईफिल टावर में मिलता है एक एजेंट से, और वो एजेंट बताता है कि जोरिन जल्दी ही अपने घोड़ों को बेचने वाला है, और इस घोड़े को खरीदने के लिए पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। लेकिन ये एजेंट जैसे ही इन बातों को बताता है, उसी समय इसे कोई मार देता है, और बॉन्ड समझ नहीं पाता है कि आखिर इसे किसने मारा है। तभी बॉन्ड की नजर पड़ती है एक लड़की पे, और ये लड़की होती है मेडे। इसीलिए बॉन्ड अब मेडे का पीछा करने लगता है, और मेडे भी यहाँ से भागने लगती है। और देखते ही देखते मेडे आईफिल टावर के ऊपर चढ़ने लगती है, और बॉन्ड उसका पीछा करते समय उस पर बहुत सारी गोलियां चलाता है, लेकिन मेडे बहुत ही आसानी के साथ इन गोलियों से बच जाती है। और वो देखते ही देखते आईफिल टावर के सबसे ऊपर वाली चोटी पे चढ़ जाती है और ऊपर से छलांग लगा देती है। लेकिन बॉन्ड कैसे भी इस लड़की को पकड़ना चाहता है, इसीलिए बॉन्ड जल्दी से आईफिल टावर के नीचे आता है, और वो एक गाड़ी छीन करके उसका पीछा करने लगता है। लेकिन इस बीच बॉन्ड की गाड़ियों से बहुत सारी गाड़ियां टकराती हैं, और इसी बीच बॉन्ड का बहुत बार एक्सीडेंट भी होता है, और इसी दौरान सबसे
सबसे पहले बॉन्ड की गाड़ी का छत उड़ जाता है और उसके बाद दूसरी टक्कर में बॉन्ड की गाड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं। फिर भी बॉन्ड गाड़ी को चलाता रहता है और वो मेडे का पीछा करते रहता है, लेकिन अंततः मेडे यहाँ से भाग जाती है और हम मेडे को जोरिन के साथ देखते हैं और जोरिन बड़े ही आसानी के साथ मेडे को यहाँ से लेकर के निकल जाता है और बॉन्ड के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन बॉन्ड को अब पता है कि जोरिन अपने घोड़ों को बेचने वाला है, इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है जोरिन के महल में। लेकिन बॉन्ड ने यहाँ पे अपना नाम बदल लिया है और वो घोड़ों का खरीदार यानी कि एक मिलियनेयर बनकर के यहाँ पे आया हुआ है। और अब बॉन्ड को लेकर के एक होटल में जाया जाता है जहाँ पे सारे मेहमानों को रखा गया है और जल्दी ही बॉन्ड को पता लग जाता है कि उसके कमरे में एक माइक्रोफोन लगाया गया है, इसीलिए बॉन्ड थोड़ा सा और चौकन्ना हो जाता है और पहुँचता है इवेंट में जहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है जोरिन और मेडे से। और बॉन्ड के इतना पीछा करने के बावजूद मेडे बॉन्ड को नहीं पहचान पाती, इसीलिए बॉन्ड बड़े ही आराम से अपना काम करने लगता है। तभी बॉन्ड की नजर पड़ती है एक लड़की पे और बॉन्ड देखता है कि जोरिन और वो लड़की एक खुफिया कमरे में जाकर के बातें कर रहे हैं, इसीलिए बॉन्ड को उस लड़की पे शक होता है और वो उस पर नजर रखने लगता है। और अभी ये दोनों एक बंद कमरे के अंदर बातें कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों पे नजर रखने के लिए बॉन्ड अपने हाईटेक चश्मे को निकालता है और इस चश्मे की मदद से बॉन्ड दीवार के आर पार देख सकता है। और यहाँ पे बॉन्ड देखता है कि जोरिन इस लड़की को $5 मिलियन का एक चेक दे रहा है। और इन चीजों को देखने के बाद बॉन्ड समझ जाता है कि इस लड़की का जरूर कुछ न कुछ ताल्लुक है जोरिन से, इसीलिए बॉन्ड अब इस लड़की के पीछे लग जाता है और वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है और बातों के जरिए इससे मेलजोल बढ़ाने लगता है। और इसी बीच हमें इस लड़की का नाम पता लगता है, इसका नाम है स्टेसी सुटोन। और बॉन्ड स्टेसी से बातें कर ही रहा होता है तभी यहाँ पे मेडे आ जाती है और वो स्टेसी को यहाँ से लेकर के चली जाती है। लेकिन अब बॉन्ड को जोरिन पे शक हो चुका है, इसीलिए वो जोरिन के बारे में हर चीज जानना चाहता है। इसीलिए बॉन्ड रात में एक एजेंट के साथ मिलकर के पहुंचता है जोरिन के अस्तबल में, जहाँ पे बॉन्ड को जोरिन के एक खुफिया लैब के बारे में पता चलता है। और बॉन्ड को ये बात भी पता लगती है कि जोरिन सच में अपने घोड़ों को ड्रग्स देता है। और ये लोग इन सारी चीजों को देख ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे जोरिन के गुंडे आ जाते हैं और वो बॉन्ड और उस एजेंट पे हमला करने लगते हैं। और यहाँ पे इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन अंत में ये दोनों उसके सारे गुंडों को मार देते हैं। तभी हम दूसरी तरफ मेडे और जोरिन को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और ये दोनों लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इनकी ये प्रैक्टिस बहुत देर तक चलती जाती है। तभी जोरिन को फोन आता है और उसे पता लगता है कि उसके लैब में कुछ लोग घुस चुके थे और वो ताका झांकी कर रहे थे। और मेडे जैसे ही इस बात को सुनती है उसे याद आ जाता है कि बॉन्ड उसका पेरिस में पीछा कर रहा था, इसीलिए अब मेडे समझ जाती है कि ये कोई मिलियनेयर नहीं है बल्कि जरूर कोई एजेंट है, क्योंकि अब मेडे को सारी बातें याद आ चुकी है। इसीलिए अब मेडे पहुंचती है बॉन्ड के कमरे में और यहाँ पे बॉन्ड और मेडे इंटीमेट होने लगते हैं। तभी दूसरे दिन जोरिन को बॉन्ड के बारे में सारी चीजें पता लग जाती हैं कि वो MI6 का एजेंट है और उसका नाम है जेम्स बॉन्ड। इसीलिए अब जोरिन बॉन्ड को मारने की योजना बनाने लगता है। फिर वो बॉन्ड को एक घोड़े की रेस में बुलाता है और उसने वहाँ पे बहुत सारे जाल बिछा रखे होते हैं ताकि इस रेस के दौरान ही बॉन्ड मारा जाए, लेकिन बॉन्ड को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं, इसीलिए बॉन्ड एक एक करके इसके सारे जाल को पार करते जाता है। लेकिन अंत में जोरिन पहुंचता है बॉन्ड के पास और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। और इतना कहने के बाद वो बॉन्ड पे गोली चलाता है और उसे लगता है कि बॉन्ड अब घायल हो चुका है, इसीलिए वो बॉन्ड को उसकी गाड़ी में डालता है और गाड़ी को पानी के अंदर फेंक देता है। और देखते ही देखते बॉन्ड की गाड़ी पानी के अंदर डूबने लगती है और जोरिन अपने आदमियों के साथ बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि वो बॉन्ड को पानी में डूबता हुआ देखना चाहता है। तभी हमें पता लगता है कि बॉन्ड मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। और बॉन्ड यहाँ पे एक बार फिर से अपना दिमाग लगाता है, वो टायर की हवा निकालता है और उस हवा की मदद से वो पानी में सांस ले पाता है क्योंकि वो जानता है कि जोरिन अपने आदमियों के साथ बाहर इंतजार कर रहा है, इसीलिए बॉन्ड पानी से बाहर नहीं आता बल्कि वो अंदर ही सांस लेते रहता है। और थोड़ी देर के बाद जोरिन अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। तभी हम जनरल गोगो को देखते हैं यानी कि KGB के चीफ को, और जनरल गोगो अभी जोरिन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो कहते हैं कि तुमने 007 को मार करके बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन जोरिन यहाँ पे गोगो की एक नहीं सुनता और कहता है कि मैंने जो भी किया है सही किया है, इसीलिए गोगो भी यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच यहाँ पे लड़ाई का माहौल बन जाता है। लेकिन गोगो भी समझ जाता है कि जोरिन के पास बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए गोगो जोरिन से लड़ाई नहीं करता। लेकिन यहाँ पे हमें ये बात पता लग जाती है कि जोरिन सच में KGB के साथ काम कर रहा है। और अब हम जोरिन को देखते हैं एक मीटिंग में और जोरिन के सामने अभी उसके सारे इन्वेस्टर्स होते हैं और यहाँ पे हमें जोरिन की असली प्लानिंग पता लगती है। जोरिन को KGB से कोई मतलब नहीं बल्कि जोरिन सिलिकॉन वैली को बर्बाद करना चाहता है क्योंकि सबसे बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी को सबसे पहले सिलिकॉन वैली में ही बनाया जाता है और अभी सिलिकॉन वैली में बड़े तादाद पे माइक्रोचिप्स को बनाया गया है, इसीलिए जोरिन पूरे सिलिकॉन वैली को तबाह करना चाहता है। और अगर एक बार सिलिकॉन वैली तबाह हो गई तब जोरिन के माइक्रोचिप्स की कीमत आसमान छूने लगेगी। और जोरिन की ये प्लानिंग उसके सारे इन्वेस्टर्स को पसंद आती है, लेकिन जोरिन का एक इन्वेस्टर इस बात से राजी
राजी नहीं होता, इसीलिए मेडे उसे मार देती है। और अब जोरिन अपने सारे आदमियों के साथ पहुंचता है सैन फ्रांसिस्को ताकि वो सिलिकॉन वैली को बर्बाद कर सके। तभी हम बॉन्ड को भी देखते हैं, वो भी पहुंच चुका है सैन फ्रांसिस्को। और यहाँ पे बॉन्ड की मुलाकात होती है एक CIA एजेंट से, और ये एजेंट बॉन्ड को पूरी बात बताता है जोरिन के बारे में और कहता है कि जोरिन की माँ पे एक नाजिक वैज्ञानिक ने बहुत सारे शोध किए थे और उसी शोध के दौरान जोरिन पैदा हुआ था, इसीलिए जोरिन को इतना खास माना जाता है। और जोरिन पहले एक KGB एजेंट था, लेकिन उसने KGB को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी वो KGB के साथ काम करता है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद बॉन्ड पूरी बात समझ जाता है, इसीलिए बॉन्ड रात में पहुंचता है जोरिन के एक लैब के पास। और ये जोरिन का सैन फ्रांसिस्को वाला लैब है, लेकिन जब बॉन्ड यहाँ पे ताका झांकी कर रहा होता है तभी बॉन्ड की नजर पड़ती है कुछ KGB एजेंट्स पे। और अब KGB ने भी जोरिन पे नजर रखी हुई है, क्योंकि जोरिन ने KGB को धोखा दिया है और अब वो उनके साथ काम नहीं कर रहा। इसीलिए दो एजेंट्स यहाँ पे जोरिन की बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तभी जोरिन के लोग एक KGB एजेंट को पकड़ लेते हैं और वो उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देते हैं, लेकिन दूसरा एजेंट यहाँ से भाग जाता है और बॉन्ड उसका पीछा करने लगता है। और जल्दी ही बॉन्ड उस एजेंट को पकड़ लेता है। तभी बॉन्ड को पता लगता है कि ये एजेंट एक लड़की है और बॉन्ड इस लड़की को पहले से जानता है, इसीलिए अब बॉन्ड और ये लड़की दोनों नजदीक आने लगते हैं। और जल्दी ये दोनों हमें इंटीमेट होते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो लड़की अपनी चालाकी दिखाती है और वो उस रिकॉर्डिंग कैसेट को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। और जल्दी ही मिलती है जनरल गोगो से, लेकिन जैसे ही वो लोग इस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं उन्हें पता लगता है कि इस कैसेट में सिर्फ गाना है। और तब हमें ये बात पता लगती है कि बॉन्ड ने उस कैसेट को बदल दिया था और असली रिकॉर्डिंग वाली कैसेट अभी भी बॉन्ड के पास है। और जल्दी ही बॉन्ड उस कैसेट को प्ले करता है और उस कैसेट की सारी बात सुनने के बाद बॉन्ड को पता लग जाता है कि जोरिन जल्दी ही सिलिकॉन वैली को उड़ाने वाला है और अगले 3 दिन में वो पूरे सिलिकॉन वैली को तबाह कर देगा। और जोरिन ने इस मिशन का नाम रखा है मेन स्ट्राइक, लेकिन बॉन्ड अब कैसे भी इस मिशन को रोकना चाहता है, इसीलिए बॉन्ड को याद आती है वो लड़की यानी कि स्टेसी, जिसे कि जोरिन ने $5 million का चेक दिया था। इसीलिए बॉन्ड अब स्टेसी का पीछा करने लगता है और स्टेसी का पीछा करते करते वो पहुंचता है स्टेसी के घर पे। लेकिन स्टेसी एक बहुत ही चालाक लड़की है और उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए स्टेसी यहाँ पे बॉन्ड पे बंदूक तान देती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी जोरिन के गुंडों में से एक हो जो मुझे यहाँ पे मारने के लिए आया है। लेकिन बॉन्ड कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए नहीं आया। तभी यहाँ पे जोरिन के बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और वो स्टेसी को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बॉन्ड उन सारे गुंडों को मार करके स्टेसी को बचा लेता है। तब स्टेसी को विश्वास होता है कि बॉन्ड जोरिन के लिए काम नहीं करता बल्कि वो एक एजेंट है, इसीलिए अब स्टेसी बॉन्ड की मदद करने के लिए तैयार है। और वो बॉन्ड को पूरी बात बताती है कि उसके ग्रैंडफादर की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी थी जिसपे अभी जोरिन ने कब्जा कर लिया है और अब जोरिन स्टेसी को ब्लैकमेल कर रहा है और इसीलिए उसने मुझे $5 million दिए थे ताकि मैं उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊं। और अब बॉन्ड इन सारी बातों को सुनने के बाद स्टेसी को पूरी बात बताता है और कहता है कि जोरिन जल्दी ही सिलिकॉन वैली को पूरी तरीके से तबाह करने वाला है, वो भी अगले 3 दिनों में, इसीलिए मुझे उसके बारे में सारी चीजें जाननी है। और इन बातों को सुनने के बाद स्टेसी बॉन्ड को लेकर के एक खुफिया जगह पे जाती है जहाँ पे जोरिन के सारे फाइल्स रखे हुए हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद बॉन्ड और स्टेसी सारे फाइलों को देखने लगते हैं और उन्हें एक फाइल मिलती भी है। तभी यहाँ पे जोरिन आ जाता है और उसके साथ मेडे भी होती है। और अब ये दोनों बॉन्ड और स्टेसी को पकड़ लेते हैं और इन्हें पकड़ने के बाद इन दोनों को एक लिफ्ट में कैद कर देते हैं और जोरिन इस पूरे बिल्डिंग को आग लगा देता है। और जल्दी ही यहाँ पे चारों तरफ आग फैलने लगता है, लेकिन बॉन्ड एक बार फिर से अपना दिमाग लगाता है और वो स्टेसी को बचा लेता है। तब तक यहाँ पे फायर ब्रिगेड्स वाले भी आ जाते हैं और उनकी सीढ़ियों की मदद से बॉन्ड नीचे उतर करके यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तब तक सैन फ्रांसिस्को की पूरी पुलिस बॉन्ड के पीछे लग जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेसी और बॉन्ड दोनों क्रिमिनल्स हैं। इसीलिए अब बॉन्ड भागता जाता है और सारे पुलिस वाले बॉन्ड का पीछा करते जाते हैं, लेकिन बॉन्ड एक एक करके सारे पुलिस वालों को चकमा देने लगता है। और जल्दी ही सबको चकमा देने के बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और अब ये दोनों पहुंचते हैं जोरिन के माइंस कैंप के पास, क्योंकि उन फाइल्स में इन्होंने पढ़ा था जोरिन के माइंस कैंप के बारे में। और यहाँ पे आने के बाद ये दोनों वर्कर्स के कपड़े पहन लेते हैं और हर जगह छानबीन करने लगते हैं। फिर जल्दी ही इन्हें जोरिन की पूरी प्लानिंग पता लगती है कि जोरिन पूरे सिलिकॉन वैली के पास एक बहुत बड़ा भूकंप लाने वाला है और उस भूकंप के खत्म होते ही वहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी और उसी में पूरी की पूरी सिलिकॉन वैली तबाह हो जाएगी। इसीलिए बॉन्ड और स्टेसी अब भूकंप को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। तब तक जोरिन को ये बात पता लग जाती है कि बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, इसीलिए जोरिन यहाँ के सारे वर्कर्स पे गोलियां चलाने लगता है और वो पानी को भी खोल देने के लिए कहता है। इसीलिए देखते ही देखते यहाँ पे चारों तरफ पानी भर जाती है और उसके साथ साथ जोरिन यहाँ के सारे वर्कर्स को भी मार देता है। और मेडे को कहता है कि वो बॉन्ड और स्टेसी को ढूंढे और उन्हें मार दे, और मेडे भी इनका पीछा करने लगती है और बॉन्ड और स्टेसी यहाँ से भागने लगते हैं। और देखते ही देखते मेडे स्टेसी को पकड़ लेती है और वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे बॉन्ड आ जाता है और वो स्टेसी को बचा लेता है और स्टेसी इस टनल से बाहर निकल जाती है, लेकिन बॉन्ड और मेडे दोनों टनल के अंदर दोबारा गिर जाते हैं। तभी यहाँ पे चारों तरफ पानी भरने लगता है और मेडे समझ जाती है कि जोरिन ने उसके जान की भी परवाह नहीं की और उसने यहाँ पर भी पानी छोड़ दिया। और अब मेडे को समझ में आ चुका है कि जोरिन ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए मेडे अब बॉन्ड के साथ मिल जाती है और बॉन्ड को उस बॉम्ब के बारे में बताती है जिस बॉम्ब से यहाँ पे भूकंप आने वाला है। इसीलिए अब मेडे और बॉन्ड दोनों पहुंचते हैं उस
बॉम्ब के पास। फिर मेडे उस बॉम्ब को लेकर के इस टनल से बाहर जाने लगती है और बॉन्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेडे कहती है कि सिलिकॉन वैली को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और मुझे इस बॉम्ब को इस टनल से बाहर लेकर के जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे मरने के बाद भी तुम जोरियन को जिंदा मत छोड़ना। और इतना कहने के बाद मेडे इस बॉम्ब को लेकर के बाहर चली जाती है और बाहर जाने के बाद जैसे ये बॉम्ब फटता है उसके साथ साथ मेडे भी मर जाती है और जोरियन इस चीज को देख लेता है और उसे पता लग जाता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि जोरियन अभी एक एयर बलून की मदद से यहाँ से बाहर निकल रहा होता है। इसीलिए जोरियन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी जोरियन की नजर पड़ती है स्टेसी पे और जोरियन स्टेसी को उठा लेता है और अपने साथ एयर बलून में डाल करके यहाँ से लेकर के जाने लगता है, लेकिन बॉन्ड जोरियन को देख लेता है, इसीलिए वो एक रस्सी की मदद से एयर बलून के नीचे लटक जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद जब बॉन्ड को एक पुल नजर आता है तब वो उस रस्सी को उस पुल में लपेट देता है और जैसे ही वो रस्सी को लपेटता है जोरियन का एयर बलून रुक जाता है और इस बात से जोरियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर के बॉन्ड को मारने के लिए आता है और यहाँ पे बॉन्ड और जोरियन के बीच लड़ाई चलने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद बॉन्ड जोरियन को मार करके नीचे पानी में गिरा देता है। तभी उस एयर बलून से एक आदमी बॉन्ड के ऊपर डायनामाइट फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो डायनामाइट एयर बलून के अंदर ही फट जाता है और पूरा का पूरा एयर बलून तबाह हो जाता है। लेकिन बॉन्ड और स्टेसी उस समय एयर बलून से बाहर होते हैं, इसीलिए ये दोनों बच जाते हैं। तभी हमारे सामने MI6 के ऑफिस का दृश्य आता है और यहाँ पे सबको लगता है कि उन्होंने शायद बॉन्ड को खो दिया है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि बॉन्ड उस एयर बलून में ही था। लेकिन क्यू अभी भी बॉन्ड की तलाश में है, इसीलिए उसने अपने हाईटेक रोबोट्स को लगा रखा है और जल्दी एक रोबोट पहुंचता है बॉन्ड के पास और क्यू देखता है कि बॉन्ड और स्टेसी दोनों शावर में हैं और दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। और अब इस चीज को देखने के बाद क्यू थोड़ा खुश भी होता है और उसके साथ साथ वो शर्माता भी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों बॉन्ड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, हम जल्दी ही अपने चैनल पे बॉन्ड फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को लेकर के आएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।